चाहिए आपको। अब सीधे लिए चलते हैं, पंकज श्रीवास्तव हमारे सहयोगी सूरत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माजरा सीट से हर्ष सांघवी। लेकिन पूरे सूरत इलाके में पिछली बार विपक्षी पार्टियां कह रही थी पंकज कि जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारी बीजेपी से बहुत नाराज हैं, लेकिन उन्हीं व्यापारियों ने एक तरफा जीत पिछले बार के चुनाव में बीजेपी को दी थी। इस बार की सूरत क्या दिख रही है सूरत में? अंजना, गुड मॉर्निंग। गुजरात की राजनीति में आज बहुत बड़ा दिन है। अब ट्रेडिशनली जहां गुजरात में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखी जाती थी, इस बार तो पूरा जो मैटर है वो कॉम्प्लिकेट हो गया है, क्योंकि थर्ड प्लेयर के रूप में आम आदमी पार्टी आ गई है। अब सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। सबसे पहले तो यहां मैं अर्ली मॉर्निंग रिएक्शंस आपको देना चाहता हूं। यहां पर जो वोट करने के लिए लोग आए हैं, खासा उत्साह यहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। मेरे साथ तो इस वक्त एक कपल भी है जिनकी आज मैरिड एनिवर्सरी भी है। आप ये बताइए, आप सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। धन्यवाद। अब मुझे ये बताइए, सूरत में रह के आज किसकी किस्मत चमकाने वाले हैं आप लोग? बीजेपी की सरकार से चमकाएंगे हम तो। अच्छा, वोट फॉर मोदी। अच्छा। क्या क्राइटेरिया होने वाला है, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि काफी नाराजगी है लोगों में, जिसका फायदा उसे होने वाला है। इधर अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि वो भलाई तो वही कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल सब वही बना सकते हैं। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र बाफना, मैं जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हमारे पीछे माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी का बंगलो है, थोड़ी देर में वो भी निकलेंगे। यहाँ मुद्दों की जब तक बात आती है, यहाँ की जनता काफी समझदार है गुजरात की। खासकर मैं सूरत की बात करना चाहूंगा, मुफ्त की रेवड़ियों की जो बांटना आने वाले आ रहे हैं, बांट के चले जाएंगे, लेकिन यहाँ की जनता समझदार है। देने